अक्षय कुमार स्टार है हाउसफुल 5 की शूटिंग शुरू हो गई है। ये फिल्म अक्षय की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। फिल्म अगले साल 6 जून को रिलीज होगी। हाउसफुल 5 की ज्यादातर शूटिंग पानी में होगी, ऐसे में इसकी कास्ट लगभग 1.5 महीने तक क्रूज पर रहने वाली है। हाउसफुल फ्रेंचाइजी को लेकर लोग काफी एक्साइटेड हैं। ऐसे में टीम के सदस्य लगातार फैंस के साथ BTS फोटोज शेयर करते रहते हैं। इस बीच एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म की शूटिंग इस वक्त क्रूज पर शुरू हो चुकी है और अब इस लग्जरी क्रूज से शूटिंग की झलक सामने आई है, जिसको देखकर फैंस तो फिल्म के लिए सुपर लेवल पर एक्साइटेड हो गए हैं। इस तस्वीर को आप भी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं फिल्म के स्टार कास्ट और मेकर्स क्रूज पर नजर आ रहे हैं। अक्षय, रितेश, अभिषेक, संजय दत्त हाउसफुल की शूटिंग एक क्रूज पर कर चुके हैं। निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने एक शानदार क्रूज पर हाउसफुल 5 की 45 दिनों की शूटिंग शुरू की है, जो लंदन से फ्रांस, स्पेन और फिर UK वापस लौटेगी। बता दें कि शिप से सामने आई ये तस्वीर फिलहाल खूब वायरल हो रही है। हालांकि समुद्र की स्थिति बहुत खराब है और हवा बहुत तेज चल रही है, इस वजह से क्रू के कई सदस्यों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक हाउसफुल 5 की टीम एक क्रूज पर शूट कर रही है। शूट स्पेन और फ्रांस के बीच में कहीं हो रही है। समुद्र की स्थिति खराब होने की वजह से क्रू के कई सदस्यों को पानी से होने वाली बीमारी भी हो सकती है। हालांकि इसके बावजूद अक्षय कुमार के फिल्म की टीम हाई स्पीड के साथ शूटिंग कर रही है। और बता दें कि हाउसफुल 5 कोई पहली फिल्म नहीं है जो क्रूज पर शूट हो रही है। इससे पहले जोया अख्तर की फिल्म दिल धड़कने दो की शूटिंग क्रूज पर की गई थी, जिसमें सारे मेन कैरेक्टर्स एक साथ वेकेशन मनाने जाते हैं। इसी शिप या क्रूज पर धीरे धीरे सारी समस्याएं शुरू होती है। अब हाउसफुल 5 में ये कॉन्सेप्ट कितना कमाल करता है ये तो वक्त ही बताएगा। खैर, अब आप बताइए हाउसफुल 5 को देखने के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।